वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। उमरांसो स्थित नेपो की 276 मेगावाट की जल विद्युत प्रकल्प की घटना जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन। दो पाइप फटी, कोयला खानी के एसिड वाटर के संपर्क में आने से हुई यह दुर्घटना और उद्धार कार्य आरंभ हुआ। आज नेपो जल विद्युत प्रकल्प दुर्घटना का 8वां दिन है। ये घटना 8 तारीख को हुआ, जिसमें 800 मीटर इलाका क्षतिग्रस्त हुआ और ढेर सारे बिल्डिंग मशीनरी ब्रिज की 90% क्षति होने की हमें सूचना प्राप्त हुई। सूत्रों के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त पाइप का मरम्मत 2018 में टीम ऑफ एक्सपर्ट द्वारा 50 करोड़ लागत से मरम्मत करवाई गई थी। इधर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीआईजी पीके दत्ता को इस घटना की जांच की आदेश दी है और उच्च स्तरीय दल पार्वतीय इलाका उन्नयन मंत्री सुम रोंगहांग की नेतृत्व में गठन की, जिसमें सांसद हरेन सिंह दे, बोकाजान की विधायक डॉक्टर नुमोल मोमिन, हाफलोंग की विधायक बीबी हजर और उत्तर काचर साहित्य परिषद के मुख्य कार्यवाही सदस्य देवोलाल गर्लोसर शामिल हैं। ये उच्च स्तरीय दल रविवार को उमरांसो नेपको दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और राज्य सरकार को एक इंडिपेंडेंट जांच एक्सपर्ट टीम द्वारा पाइप विस्फोट का सही कारण पता लगाने की सुझाव दिया। इधर जल स्तर की कमी होने की तुरंत बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बलों ने इस घटना में लापता 4 लोग, 3 नेपो के कर्मचारी और 1 व्यक्तिगत प्रतिष्ठान के कर्मचारी की उद्धार कार्य में उतरी, लेकिन अब तक इन चारों का कुछ भी पता नहीं चला। उच्च स्तरीय दलों ने इस दौरे के दौरान आसपास के लोगों और घटना में लापता कर्मचारियों के परिवार से मिले और संवेदना प्रकट की। इधर से जाएगा बोलने से पानी ज्यादा होते पर्वतीय इलाका उन्नयन मंत्री सुमरोंगहांग ने कहा कि इस घटना में 2 लोहे की पाइप क्षतिग्रस्त हुआ और इसके फटने की सही कारण एक्सपर्ट द्वारा ही पता लगाई जाएगी और कहा मेघालया राज्य की निकट बढ़ती कोयले खाने की एसिड वाटर के संपर्क में आने से ये दुर्घटना घटी। सदौ असम छात्र संस्था ने केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और नेपको को इस घटना के लिए दायर ठहराया और इस कंपनी को सही कदम उठाने के लिए कहा।
न्यूज़ बेल चैनल बने रहने के आप सभी का धन्यवाद। घर पर उनको पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।